दोस्तों पबजी और पबजी लाइट बैन कर दी है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके साथ 118 नए एप्लीकेशन को भी बैन किया है। इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्यों पबजी और पबजी लाइट को बैन किया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल में मिसाल वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं डीजेनरेट टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आगे करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों इसके रिलेटेड पहले भी काफी सारी खबर आ रही थी, जैसा कि हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए थे पबजी के ऊपर कि इसको जो है गवर्नमेंट बैन कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा पहले जब 59 अदर चाइनीज एप्लीकेशन बैन की थी हमारी गवर्नमेंट ने, तब उसके लिस्ट में जो है कुछ क्लोन ऐप्स भी बाद में आया, उसके बाद फिर और एप्लीकेशन को बैन किया गया। बाद में उसके लिस्ट में 256 एप्लीकेशन और ऐड हुई थी जिनको वो चेक कर रहा था कि देखें ये हमारे लिए एप्लीकेशन सुटेबल होती है नहीं होती है, तो हमारी गवर्नमेंट चेक करने के बाद उसको फिर क्लीन चिट देने वाली थी। लेकिन उसमें से आवाज खबर आ रही है कि 118 एप्लीकेशन बैन हो गए हैं, तो वो 256 वाली लिस्ट कहीं ना कहीं सही होती नजर आ रही है। अब बाकी जो बचे एप्लीकेशन है दोस्तों, उनके बारे में क्या होता है, क्या करती है गवर्नमेंट, क्या उनको क्लीन चिट मिल गया है, इस बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन बाद में मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम लोग आज बात कर लेते हैं पबजी और पबजी लाइट के बारे में। तो दोस्तों पबजी किस कंट्री से बिलोंग करता है इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि कहां कहां से इसका टाई अप हुआ, कैसे ये आई कंपनी और कैसे ये चाइना के हाथों में गई, तो वो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं इसको देखने के बाद। तो इस सब मैटर की दोस्तों अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा जब हमारा डिस्प्यूट चला चाइना से बॉर्डर पे, काफी ज्यादा स्ट्रेस भरा माहौल हो गया था। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं साइबर अटैक्स की हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगी। अब इसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया कि जल्दी से उन ऐप को बैन कर दिया जो कि सस्पिशियस उसे लग रहे थे और जो कि खास करके चाइना से बिलोंग करते थे। तो आपकी 59 चाइनीज ऐप्स तो बैन हो गई, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी ही। उसके बाद दोस्तों कई क्लोन एप्लीकेशन भी बंद की गई और 256 एप्लीकेशन को अंडर प्रिकॉशन रखा गया कि इनको जो है हम लोग एक बार चेक करेंगे, अगर ये सस्पिशियस पाई जाती है इनको बैन किया जाता है। और उन्हीं 256 ऐप्स में से मे भी हो सकता है कि ये 118 एप्लीकेशन है, बाकी देखिए बाकी का क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में निकल जाएगी। तो अगर बात करें दोस्तों पबजी और पबजी लाइट की, तो वही जो बैन होने वाले थे तो 256 एप्लीकेशन के लिस्ट में इनका भी नाम आ रहा था, तब ये कहा जा रहा था कि पबजी जो है बैन हो सकता है, ये कंफर्म नहीं था। और कई सारी हमने वीडियोस भी बनाई थी इसके ऊपर कि पबजी कहां से बिलोंग करता है। एक्चुअल में दोस्तों पबजी जो है वो उसको टेंसेंट कंपनी ओन करती है। अब ये कंपनी जो है यहां जो सर्वर्स वगैरह है, आप समझ लीजिए अब जो सारा दारोमदार है वो चाइना के ऊपर है और कहीं ना कहीं आपका जो डेटा होता है वो चाइना के पास भी जाता है। तब पबजी ने जो है जब उसको ऐसी खबर मिली कि ये बैन होने जा रहा है, तो उसने गवर्नमेंट से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और उसने कहा कि अब जो है हम अपना जो डेटा है वो यहाँ ही सेव करेंगे, यानी आपके इंडिया में ही सेव करेंगे और कुछ जो है आपके फॉरेन में भी सेव करेंगे, मान लीजिए सर अमेरिका हो गया अदर देन चाइना, तो चाइना में वो सेव नहीं करेगा आपके डेटा को। तो ये जो है आश्वासन उसने हमारी गवर्नमेंट को दिया और उसने अपने बहुत सारे एल्गोरिदम में चेंज भी लेके आएंगे, कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए गेम को प्रॉपरली रन करने के लिए, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसको भी आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पबजी लेता है। तब कहीं ना कहीं ये दोस्तों पहुंचा गवर्नमेंट के पास, उसके बाद मामला सब कुछ शांत दिख रहा था। लेकिन आज अगर देखिए दोस्तों पबजी और पबजी लाइट को बैन कर दिया गया है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या इसको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट ने अच्छा किया या इसका बैड डिसीजन था, क्या आप पबजी प्लेयर थे या नहीं। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि इससे रिस्क हो क्या सकता है। तो सबसे पहली बात देखिए पबजी है, मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन है वो आपके डेटा को काफी अच्छे तरीके से वो जानती है कि आप एक्सेस करती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके मोबाइल के ऊपर अगर उसका कंट्रोल है, मान लीजिए आपके कैमरा के ऊपर कंट्रोल है उसका, आपके माइक्रोफोन के ऊपर है, आपकी लोकेशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, कैसी कॉल्स वगैरह आ रही है आपके पास, मैसेजेस कौन कौन से आ रहे हैं, तो सब कुछ वो रिकॉर्ड करके रख सकती है अपने पास। और उसके बाद जो है ये इसको किसी थर्ड पार्टी पर्सन को भी बेच सकती है। अब अगर वहां से बेच देती है या फिर किसी एनी हाउ लीक हो जाता है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके वैल्यूएबल डेटा है या फिर आपकी जो प्राइवेसी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी इससे। अब इससे आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो क्लिप है या फिर कुछ भी है, आप कहीं कोई डील वगैरह कर रहे हैं या फिर उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपकी ऑफिस के काफी ज्यादा जरूरी चीजें हैं, या फिर आप लोगों ने अभी सुना होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल भी हैक हो रहे थे, बस वो किसी एक अनस्पेसिफाइड लिंक पर क्लिक कर दे रहे थे और ना वहां पर वो लोग कुछ साइन इन कर रहे थे, ना वहां पर पासवर्ड डाल रहे थे। फिशिंग की बात छोड़ दिए, सिर्फ लिंक पर क्लिक करने से आपके ब्राउजर में जो कुछ भी पासवर्ड सेव हो या फिर आपकी जो भी आईडी लॉगिन हो रही हो, वो जो है अपने आप ऑटोमेटिकली उसका पासवर्ड सब कुछ वहां पहुंच जाता था और आपकी यूट्यूब चैनल की आईडी जो है वो हैक हो जा रही थी। ये आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाके इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि कितने ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आई और कितने लोगों का चैनल हैक हुआ। तो कुछ इसी प्रकार
प्रकार से दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है आगे क्रिएट हो सकती थी और इसी से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप लिए हैं। जहां तक बात रही दोस्तों पबजी और पबजी लाइट की, तो मेरे हिसाब से इसने सारे सब कुछ तो पहले बताया था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने लग रहा है मुझे जो बातें बोली थी उस पर खड़ा नहीं उतर पाया है। और इसकी जो अभी भी डेटा जा रही है वो कहीं ना कहीं चाइना के सर्वर में भी जाके सेव हो रही है, और अगर इसकी इन्फॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट को मिली है तो इसी की वजह से बैन हुआ है। अब मान लीजिए देखिए कुछ दिन में क्या खबर निकल के आती है, क्योंकि पबजी बहुत बड़ी कंपनी है और अगर यहाँ इंडिया में उसकी एप्लीकेशन बैन हो जाती है, हट जाती है आपके प्ले स्टोर से या फिर आपके किसी एप्पल ऐप स्टोर से, तो समझ लीजिए काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है पबजी को भी, और इस हिसाब से उनका जो यहाँ पे बिजनेस चल रहा है इंडिया में वो कम्प्लीटली फ्लॉप हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको थोड़े दिन बाद और इन्फॉर्मेशन आएगी। वैसे भी दोस्तों इसके साथ आपके 118 अदर एप्लीकेशन भी अनइंस्टॉल कर दिए गए या बैन कर दिए गए हैं, आप कहिए उसको आप जाके अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपका हाइपर्स ब्राउजर हो गया, आपका यू डिक्शनरी एप्लीकेशन, वैसे दोस्तों यू डिक्शनरी एप्लीकेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वहाँ भी आपके पास कॉपी वॉपी का ऑप्शन था, वो भी काफी ज्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन देती थी, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को वो रीड और राइट कर सकती थी। इसके साथ दोस्तों कहीं ना कहीं आपके और छोटे मोटे एप्लीकेशन भी बैन हुए हैं, उसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बताई है जो आपके 1 से लेकर 118 सारे एप्लीकेशन के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका 1 से 118 तक कौन सा एप्लीकेशन बैन हुआ है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, आपको वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भी कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने संदर्भ में जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।